हमने शॉर्ट ही नहीं लगता आपको फिल्म जो हमने टाइम देख लिया यहाँ पर एवरनी स्टूडियो बारी स्टूडियो शालोर शबाब तो ये सारा जो हमने देख लिया ना मुझे याद है जावेद भाई का वो कॉर्नर वाला कमरा हुआ करता था एवेन्यू में आप एंटर हो तो कॉर्नर वाला कमरा होता था अंजू बॉबी साहब और सारे यानी इवनिंग में इतनी रौनक हुआ करती थी हम शाम को सिर्फ ये करने जाया करते थे कि यार वहाँ सलाम करना है कोई काम है नहीं है आपकी शूटिंग है लेकिन हम जाते थे जैसे एक ऑफिस है आप समझते हैं रिवाइवल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है मगर यार ये जो एक तफरीक आई है शेख साहब आप इसको कैसे देखते हैं कि सिनेप्लेक्स के नाम पे हमने बिल्कुल एक क्लास को अलग कर दिया है और मैसेज जो है उसको हमने अलग कर दिया है हमारी जो आप फिल्म लगती है आप फिल्म देखना इतना महंगा हो गया है मैं अगर आम आदमी की बात करूं कि आप सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं अगर पूरी फैमिली के साथ टिकट इतना महंगा है फिर आप उसको देखें जो पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स हैं वो उससे ज्यादा महंगी ठीक है ना तो जाहिर है जब एक फैमिली के साथ जाएंगे 2-2.5-3 हज़ार मेरे ख्याल में खर्चा है दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है कि उन्होंने शोज रखे हुए टाइमिंग रखी हुई कि अगर आपने यही फिल्म सस्ते में देखनी है तो आप सुबह 10 बजे चले जाएं रात को लेट नाइट चले जाएं मिडनाइट शो है तो अगर पीक आवर्स में शो है तो महंगा होगा तो ये कैटेगरीज रखी हुई है ताकि हर आदमी देख सके यहाँ पर एक ही टिकट है और हर किसी भी वक्त फिल्म देखनी है तो वही टिकट है हम इस बारे में सोचते नहीं है ये जो इंडियन कंटेंट के ऊपर अब तो खैर बंद है मगर आपकी क्या राय है फॉरेन कंटेंट के ऊपर मेरा तो ख्याल है खुलना चाहिए हेल्दी कंपटीशन होगा उसकी वजह ये है कि आपके सामने अगर टीम अच्छी होगी ना तो फिर आप भी तो मेहनत करेंगे अगर आपके सामने कोई है ही नहीं और आप कहते हैं ठीक है मैं ही हूँ और मैं जितना अच्छा बना रहा हूँ या बुरा बना रहा हूँ मुझे क्या पता चलेगा मेरे सामने अच्छा काम आएगा मैं कहूँगा नहीं अब मैंने इससे अच्छा बना और ऐसी बात नहीं है हमारी बहुत सारी फिल्में हैं जो इंडियन फिल्मों के सामने चली हैं हमारी फिल्म टाइटैनिक फ्लॉप करा दी सर देखिए ना चूड़ियां बिल्कुल तो ऐसी बात नहीं है हमारी अगर अच्छी फिल्म होगी तो चलेगी यानी कि कोई भी अच्छी फिल्म होगी किसी भी मुल्क की वो चलेगी ये है जिस जमाने में आप खासतौर पे फिल्म की इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना और तो रोमांटिक सीन करने में आपको लुत्फ आता था किन्नू नहीं आता किसको नहीं आता आप मेरे काफी अरसे दोस्त हैं मुझे क्यों नहीं थे बुलाते लेकिन आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड टाइप आदमी हैं लेकिन देखें कभी स्कैंडल स्कैंडल नहीं हमने देखा इससे रोमांस का कोई ताल्लुक नहीं हां इससे तेजी का ताल्लुक वो अंदर होता है है कि नहीं लेकिन आपको कभी कोई स्कैंडल सामने नहीं आया 40 42 बरस ये तो समझदार है ये आगे नहीं आने देते ये अपने काम दे बसी शान है ना ये बात अच्छा काम करते हुए जब आप यानी कि लाजमी बात है इंटीमेट सीन्स करते हैं तो बाज़ूकात को अच्छा लगने लगता है आपके साथ कभी ऐसा हुआ 40-42 नहीं अच्छा तो देखें कोई चलते फिरते भी अच्छा लग सकता है नहीं वो तो जावेद भाई के साथ भी आपने सीन किए हैं नहीं चलते फिरते तो अच्छा लगता ही है मगर खास तौर पर काम करते हुए जब हाँ बहुत सारे देखें आपकी बॉन्डिंग हो जाती है आप काम करते हैं किसके साथ इतनी बॉन्डिंग हुई जिंदगी में जिससे फिर निकलना मुश्किल हुआ आपको नहीं निकलना ऐसा वो नहीं है कि निकलना मुश्किल हुआ कि वो निकलना अगर मुश्किल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं इन्वॉल्व हो गया मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ कहीं भी आपने कहा ना बॉन्डिंग हुई बॉन्डिंग और चीज़ है ना अच्छा। कि आपकी दोस्ती हो जाती है बॉन्डिंग और इन्वॉल्वमेंट देखिए इन्वॉल्वमेंट में तो ये है ना कि आपका फिर अफेयर ही चल जाता है अच्छा ठीक है कि आप इन्वॉल्व हो गए उसके बगैर रह नहीं सकते ठीक है बॉन्डिंग भी ये है कि आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं केमिस्ट्री अच्छी होती है कभी ऐसा हुआ खासतौर पे सिल्वर स्क्रीन में आपने जो काम किया जितना भी किया कोई इंटीमेट सीन पे कभी बेगम साहबा ने कहा हो कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही इंटीमेट हो गया तो बॉन्डिंग से आगे की बात लग रही है मुझे सलीम नहीं वो मैंने सबसे पहले ये किया कि जब मेरी मंगनी हुई थी मैंने घर से टीवी चुकवा दी नहीं फिल्म का काम था टीवी तो था ही नहीं टीवी तो था लेकिन फिल्म का काम था तो मेरी फिल्म हो रही थी चीफ साहब हाँ तो एक गाना शूट होना था तो इसने कहीं मतलब कभी भी नहीं हुआ कि मेरे सेट पे कभी आ गई हो मेरी बेगम के आओ शूटिंग देखते हैं कभी ख्वाहिश ही जाहिर नहीं की वो तो शुरू का टाइम था तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि यार वो रात को एक गाना शूट हो रहा है देखने तुमने आना है उसने कहा मैं आ जाती हूँ तो अपनी वो किसी फैमिली के साथ मुझे मार है तो वो आगे तो जब आए तो शेख साहब ने कहा कि तुमने अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई है तुमने बुलाया तुम्हारा गाना शूट हो रहा है कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए शादी तुम्हारी मुझे शादी नहीं हुई हुई तो मैंने कहा मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा काम देखे अच्छा ठीक है ताकि यूज टू हो जाए कि भाई यही काम है यही काम है इस तरह से नहीं तो वो गाना हुआ तो मैं सोच रहा था शायद इसको कुछ थोड़ी देर कुछ देर बैठी और वो घर चलेगी अपने तो मुझे लगा कि शायद ये अगले दिन फोन नहीं करेगी या थोड़ा सा नाराजगी शो करेगी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ और उसके बाद जब शादी हुई तो फिर वो अंडरस्टैंड करती है और उसको आज तक मुझे कभी भी मैं आपको बताऊं
सेट पे मुझे फोन नहीं आया कि हाँ भाई किसके साथ काम कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये एक ब्लेसिंग है। अच्छा वैसे कभी ये हुआ जब जावेद भाई की जिंदगी तो पूरे पाकिस्तान जान पूरी दुनिया जानती है, बहुत ही रंगीन जिंदगी है, तो कभी कहा कि देखो जावेद साहब से सब कुछ सीखना मगर ये ना सीखना? नहीं, वो देखे शेख साहब की जिंदगी रंगीन तो है, रंगीन तो बहुत लोगों की जिंदगी, कुछ लोग छुपा के जिंदगी गुजारते हैं, वो थोड़ा सा खुल के जिंदगी गुजारते हैं, तो ये है कि नहीं ऐसा नहीं है, जाहिर है वो एक शेख साहब आप जानते हैं एक बहुत अच्छे इंसान है, मतलब मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया हम छोटे थे तो ये इनको देख के ही हमने सीखा कि किस तरह बात करते हैं, किस तरह लोगों का ख्याल करते हैं, क्या और पहनते हैं। अभी भी वो उरूज पे है मगर माशाल्लाह में तो क्या उरूज था, क्या बात। और जितना खुले दिल के हैं तो वो भी हमने यही चीज़ दिल तो बहुत ही खुला है, क्या दिल तो खोल कर हर मामले में। आपकी जो फैमिली है पाकिस्तान में जो बड़ी शोबिस की फैमिलीज है ना दो या तीन, उनमें से एक फैमिली माशाल्लाह जी, जो वॉल्यूम ऑफ वर्क आपकी फैमिली का है वो शायद ही किसी दूसरी फैमिली का हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात करूँ, शायद ही किसी दूसरी फैमिली के इतने ज्यादा लोगों ने इतनी बड़ी मकदार में इतना अच्छा और बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ड्रामा बन जाता। तो आज अभिषेक साहब के जो मतलब चूँकि अब आम है माशकों की मोहब्बतों की दास्तान, तो कभी फैमिली की खवातीन इनसिक्योर होती हैं कि भाई जो नुमाइंदा आदमी है सबसे ज़्यादा जो सरखैल है फैमिली का, तो भाई शेख साहब से यू नो जरा थोड़ा सा भाई इस मामले में करें। नहीं देखें शेख साहब जो सब कुछ सीखना शेख साहब से या ना सीखना, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि शेख साहब ने हमेशा कहीं भी अगर अटके हैं ना तो एक वक्त में एक ही थी। ऐसा नहीं है कि जी ये भी है तो वो भी है, ऐसा कुछ नहीं। उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है इत्तेफाक से कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, तो वो स्कैंडल्स बनते गए लोगों ने, लेकिन वो क्योंकि खुद एक अच्छे इंसान है तो वो जिंदगी ऐसी मतलब इंसान की जिंदगी तो फैमिली में कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई, ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं। शेख साहब ने भी काम किया ओम शांति ओम में, उससे पहले खून भरी मांग में भी उनको ऑफर हुई थी, आपको ऑफर हुई आपने रिजेक्ट की, आपने काम नहीं किया या नहीं? हमारी फिल्म बन रही थी खुले आसमां के नीचे और हमारा सेट लगा हुआ था बॉम्बे में, तो हम वहाँ काम कर रहे थे, तो एक महीने का स्पेल था, तो वहाँ एक प्रोड्यूसर आया था शेख साहब के पास के एक फिल्म में मुझे कास्ट करने चाह रहे, तो शेख साहब ने खुद स्टोरी सुनी, तो वो उस वक्त मैं जा रहा सारी फिल्में कर रहा था मेन रोल में, तो वो रोल जो था वो सेकेंडरी था, तो उन्होंने मना करके फिर मुझे बताया कि यार वो मैंने तुम्हारे बगैर पूछे ही मना कर दिया क्योंकि वो किसी और हीरो के साथ थी और तुम्हारा क्योंकि सेकेंडरी रोल था, छोटा रोल था, कम था, ये नहीं है कि कोई फिल्में ऐसी भी होती हैं कि कम छोटा रोल भी बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, इतना ठीक है ना, तो वो मुझे भी करने को एतराज़ नहीं था, लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो एक आध दफा हुआ इस तरह का इत्तेफाक, फिर नहीं हुआ। लेकिन सलीम भाई खून भरी मांग में तो शेख साहब को मेन रोल ऑफर हुआ था हीरो कबीर बेदी वाला, बिल्कुल हुआ था, वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, उस वक्त उनकी शादी हुई हुई थी सलमान से, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि शायद उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि जी नहीं रेखा और रेखा थी ऊपर से, तो वो फिर उन्होंने नहीं किया इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ तक मुझे इल्म है। नहीं नहीं सही इल्म है आपको, क्योंकि रेखा थी ना उसमें, तो सही इल्म है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात थी, शेख साहब ने तो यही बताया था। शेख साहब ने तो जब कहा ना कि मैं रेखा जी ना हीरो आ रहे हैं वहां, फौरन उन्होंने कहा बस भाई बस ज्यादा बात नहीं शेख साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं शेख साहब, बाद चो गाना फिर इन्हें पिक्चर आई मजबूरी।